भाजपा के 14 विधायक हुए हाईजैक अचानक सामने आए। बता दें कि बिहार में नीतीश सरकार को संख्या का संकट नहीं है, वह आसानी से विधानसभा में बहुमत साबित कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में भी नेताओं का दल बदल तेज होता जाता है। दूसरी पार्टियों को अपनी पार्टी में मिलाने से जनता में उस पार्टी को लेकर के हवा बनाने में भी मदद मिलती है। पार्टी ऐसे में बढ़ चढ़ कर जनता का विश्वास अपने पक्ष में दिखाने और चुनाव में बड़ी जीत का दावा करती है। बिहार एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी जेडीयू है और उसके पास मुख्यमंत्री का पद है। बीजेपी के पास 74 तो वही जेडीयू के पास मात्र 43 विधायक है। ऐसे में जेडीयू का विधायक की संख्या में इतने बड़े स्तर का भी दबाव है, इसको देखते हुए बिहार में इतने बड़े स्तर पर भी दबाव इसको देखते हुए जेडीयू के कांग्रेस पर डोरा डाल रही है ताकि बीजेपी के अप्रत्यक्ष दबाव को कम किया जा सके। बता दें कि कांग्रेस विधायक की बिहार में विधायकों को बचाने में जुटी है, अपने 14 विधायकों को लेकर वो तेलंगाना पहुंची है। बिहार कांग्रेस कह रही है कि वो रेवंत रेड्डी को बधाई देने गए हैं, वही तेलंगाना कांग्रेस कह रही है कि टूटने का डोर था और इसको लेकर के उनके अंदर इतना डर पैदा हो गया कि यहाँ तक पहुँच गए। तेलंगाना में रिसोर्ट के एंट्री और एग्जिट गेट पर पुलिस का पहरा है। 12 फरवरी को नीतीश कुमार का विश्वास प्रस्ताव है, ऐसे में 11 फरवरी को कांग्रेस विधायक पटना पहुंचेंगे, तो देखने वाली बात है कि क्या क्या होता है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।